प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी संगठन की तरफ से इस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव द प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रदेश इलेक्शन कमेटी। माननीय पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ये लिस्ट प्रपोज की गई है जो कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई है फॉर द एंश्योइंग असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान 2023। कुल मिलाकर इस लिस्ट में 29 नाम है। मैं बताता जाता हूं आपको एक एक नाम। सबसे पहले श्री गोविंद सिंह डोटासरा चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, जी हाँ। इसके अलावा सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्र जीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान और ललित तुनवाल। तो बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से बनाई गई चुनाव कमेटी के मेंबर रहेंगे और इस मेंबर में बाकियों के नाम भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गोविंद डोटासरा इस कमेटी के, इस चुनाव समिति के अध्यक्ष रहेंगे। तो कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस संगठन की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से केसी वेणुगोपाल महासचिव कांग्रेस संगठन की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा समेत कुल 29 कांग्रेस के राजस्थान से जुड़े हुए नेताओं को शामिल किया गया है और पूरी निगरानी कांग्रेस चुनाव समिति की चेयरमैन के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर रहेगी। कुल मिलाकर 29 लोग इस लिस्ट में उनको जगह दी गई है, शामिल किया गया है। ये नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा चेयरमैन, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, तो सचिन पायलट को इस लिस्ट के जरिए जिम्मेदारी मिल गई है, बाकी 29 नेताओं के नाम तो इसमें है, अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री समेत गोविंद सिंह डोटासरा इसमें चेयरमैन रहेंगे। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है, चुनावी राज्यों को लेकर एक कमेटी गठन की गई है। पहले तेलंगाना की घोषणा हुई, राजस्थान की। सबसे अहम बात है कि सचिन पायलट जो कि हाशिए पे चल रहे थे, यूके के नाराज चल रहे थे, उनको भी कमेटी में जगह मिली है। इस कमेटी के चेयरमैन, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया और सदस्यों के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम है, पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं सचिन पायलट का भी नाम है। तो माना जा रहा था कि जो नाराजगी है वो दूर हो गई, जो पिछली बार भी जब उनकी बैठक हुई थी उस दौरान भी सचिन पायलट ने कहा था कि जो उनकी मांग है उनकी मांग नहीं जा चुकी है और ऐसे में कोई अपना रवि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रवि सुन पा रहे हैं आप? बहरहाल हाँ रवि, अब बोलिए आप। रवि से कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात करें, लेकिन आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश चुनाव समिति का गठन हो गया है। 29 सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इनके नामों का जिक्र हमने किया, इनके नामों के बारे में आपको बताया। ये देखिए, साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारियों को लेकर ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस लिस्ट में 29 नाम, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये लिस्ट लेटर हेड पर जारी हुई। केसी वेणुगोपाल महासचिव कांग्रेस के संगठन के, उनकी तरफ से लिस्ट जारी की गई। नाम बताता चलता हूं एक एक करके आपको, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्र जीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज गांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान और ललित टुनवाल। तो ये 29 वो चेहरे, ये 29 वो दिग्गज जिनके ऊपर राज्य प्रदेश चुनाव समिति की जिम्मेदारी
कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सौंपी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा चेयर करेंगे चेयरपर्सन के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर इस पूरी कमेटी को वो लीड करेंगे। और मुख्य तौर पर न सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाहिर तौर पर शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा सचिन पायलट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की। और आपको बता दें कि कल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में आए और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दो चीजें महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसको ही पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। और जो पार्टी के मंथन में निकलकर बात सामने आई थी कि सितंबर तक सभी उम्मीदवारों का फैसला कर लिया जाएगा, तो उसी बात को यहां सुखजिंदर रंधावा ने दोहराया भी था। तो उसी तरीके से अगर देखें, कांग्रेस अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान चुनावों के मद्देनजर। और इसी को देखते हुए, इसी लिहाज से यहां कांग्रेस की बात करें तो ये लिस्ट इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार रिपीट करने का जो एक तरह से कहें कि दावा किया जा रहा है या फिर जो एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसकी जिम्मेदारी इन 29 कांग्रेस के लोगों पर रहेगी, उनके कंधों पर रहेगी। और पूरे तरीके से बहुत मिश्रण को अगर देखें तो संगठन से लेकर सरकार तक इसमें उन बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, अलग अलग वर्ग से आने वाले चेहरों को शामिल किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले चेहरों को शामिल किया गया है, जो चुनाव समिति के तौर पर पूरी तरह से प्लानिंग करेंगे आगामी चुनाव में कैसे सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, कैसे विपक्ष के हमलों से अपनी रणनीति तैयार करनी है, चुनाव को लेकर अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, दिग्गज नेताओं के जो दौरे होंगे वो किस तरह से होंगे, किन किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस जाएगी, और ये रैली कहां होगी, मीटिंग्स कहां होंगी, किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, किस तरह से पैमाना होगा टिकट देने का, कैसे वहां पर ये कोशिश होगी कि सभी उम्मीदवारों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव समिति के इन सभी मेंबर्स पर रहेगी। और इसी लिहाज से ये कहा जाए कि सरकार रिपीट अगर कांग्रेस करने की बात कहती है तो इन 29 लोगों की जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। और इसी लिहाज से कांग्रेस ने बड़ी सोच समझकर इस लिस्ट को जारी किया गया है। इन लिस्ट में जो नाम लिए गए हैं उसको बड़े ये कहें कि सही तरीके से इस लिस्ट को जारी करते हुए वो नाम शामिल किए गए हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, जो कि बहुत अच्छे से राजस्थान की राजनीति को समझते और जानते हैं, जिनका चुनाव को लेकर एक लंबा अनुभव रहा है, जो न सिर्फ अपने इलाकों की तासीर को समझते हैं बल्कि राजस्थान के वोटर के मन को भी भली भांति जानते हैं। इसी लिहाज से ये नाम यहाँ शामिल किए गए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस लिस्ट में है ही, सचिन पायलट भी इस लिस्ट में है, सचिन पायलट भी को भी जिम्मेदारी मिली है, गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ हैं, उनको चेयरमैन के तौर पर इस चुनाव समिति के लीड करने का अवसर प्रदान दिया है, किया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि कद्दावर नेता भंवर जितेंद्र सिंह, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। रघुवीर मीणा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रामेश्वर डूडी, आपको बता दें कि पिछले दिनों रामेश्वर डूडी भी जब कांग्रेस की आलाकमान की बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें वो भी शामिल हुए थे। पिछले कार्यकाल में जब विपक्ष में थी कांग्रेस, उस दौरान बखूबी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। मोहन प्रकाश की बात कर लें तो ये एक अपने आप में मोहन प्रकाश का तजुर्बा बहुत ही मायने रखता है क्योंकि एक तजुर्बेकार नेता है, कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं और इसी लिहाज से उनका तजुर्बा भी बेहतरीन तरीके से काम में लाने के लिए कांग्रेस उनको ये जिम्मेदारी सौंप रही है। डॉक्टर रघु शर्मा, भले ही ये कहा गया कि डॉक्टर रघु शर्मा को ये आरोप लगता रहा कि नजरअंदाज किया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन हर लिहाज से यहाँ पर डॉक्टर रघु शर्मा को इस समिति में शामिल करके उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात अगर हरीश चौधरी की करें तो हरीश चौधरी न सिर्फ सह प्रभारी पंजाब में, ये कहें कि पंजाब में प्रभारी कांग्रेस के, वहीं दूसरी ओर उनको भी ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही साथ लालचंद कटारिया को जिम्मेदारी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जिम्मेदारी, रामलाल जाट को
अपने वर्ग को साधने, अपने क्षेत्र को साधने की जिम्मेदारी, प्रमोद जैन भाया का भी अपना एक जनाधार जिस आधार पर उनको यह जिम्मेदारी मिली है, रमेश चंद मीणा को भी जिम्मेदारी मिली है, उदयलाल आंजना को भी बखूबी सराहा गया है और उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार मुखर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, उनको यहां जिम्मेदारी दी गई है, अपने मंत्रालय के जरिए उन्होंने काम करने के कई बात यहां पर कही हैं और शाले मोहम्मद को यह जिम्मेदारी दी गई है। महिला के चेहरे के तौर पर ममता भूपेश को जिस वर्ग से आती हैं वो भी साधने की कोशिश हो गई, महिलाओं के तौर पर भी यहां पर वो जुड़ चुकी हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा आइए उनका रुख करते हैं। बाबूलाल 29 नाम इसमें सामने आ चुके हैं और पूरी तरीके से अगर इस लिस्ट के एक एक नाम पर गौर करें तो हर वर्ग को साधने की कोशिश और बराबर जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार को रिपीट करने की अब आप लोगों के कंधे पर है। चुनाव संचालन के लिए बहुत बड़ी कमेटी होती है और इसीलिए यहां पर जो है आज सबसे पहले कांग्रेस ने इस कमेटी का ऐलान किया है, गोविंद सिंह डोटासरा को कमान दी गई है और इसके अलावा जो नाम है उनमें कोई ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं, एक ललित तूलवाल है जो लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, संगठन संभालते हैं, इसके अलावा तमाम जो है तजुर्बे वाले नेता हैं पार्टी में जिनका अहम किरदार रहा है, जो हमेशा से सक्रिय रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम है, जितेंद्र सिंह जो कि अलवर के सांसद रह चुके हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सचिन पायलट को भी इसमें जिम्मेदारी मिली है, रघुवीर मीणा जो कि उदयपुर के सांसद रहे हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, रामेश्वर डूडी पहले LOP रह चुके हैं और इस वक्त जो है चर्चाएं चल रही थी कि उनको पार्टी कहीं एडजस्ट करेगी तो उनको इस कमेटी में ले लिया गया है। रघु शर्मा जो हैं गुजरात के प्रभारी थे, उसके बाद में उनके पास कोई दायित्व नहीं, उससे पहले वो चिकित्सा मंत्री जरूर थे लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली थे तो उनको भी राजी करने की कोशिश हुई है। मोहन प्रकाश जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के राष्ट्रीय, उनको भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी और पूर्व के मंत्री, वो भी इस कमेटी में हैं। लाल चंद कटारिया वर्तमान में कृषि और पशुपालन के मंत्री, उनको इस कमेटी में लिया गया है, उनके पास तजुर्बा है, वो केंद्र में पहले मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, आदिवासियों की बड़ी पहचान, एक बड़ा चेहरा जो कि वागड़ में एक बड़ी बुलंद आवाज है और वागड़ की यानी कि बांसवाड़ा की राजनीति को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं तो वागड़ का तजुर्बा काम में आएगा। इसके अलावा रामलाल जाट जो कि भीलवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, वर्तमान में रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, उनको मौका दिया गया है। प्रमोद जैन भाया इस कमेटी में सदस्य हैं तो रमेश मीणा पूर्वी राजस्थान, क्योंकि पिछली मरतबा यहीं से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, सूपड़ा साफ कर दिया था जी बिल्कुल, और इसीलिए जो है रमेश मीणा को पार्टी ने इस कमेटी में शामिल किया। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि पिछली मरतबा किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी को चुनाव हरा करके धमाका किया था, गोलमा देवी उनके आगे टिक नहीं पाई थी इसलिए वो इस कमेटी का हिस्सा, हालांकि वो पायलट कैंप में थे लेकिन इस वक्त वो बैलेंस कर रहे हैं, इस वक्त वो अशोक गहलोत के नजदीकियों में शुमार हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम है जो कि बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, तो उदयलाल आंजना यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले से आते हैं, निम्बाड़ा से विधायक हैं, इस वक्त सहकारिता के मंत्री हैं तो उनको भी इसमें जगह। बाबूलाल मैं आपको रोक रहा हूं और आप लाइन पर रहेंगे, मेरे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, आप भी उनसे सवाल जरूर कर सकते हैं, कुछ आपकी भी आवाज और सवाल उन तक पहुंचेगा। स्वर्णिम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये देखिए 29 लोगों के कंधों पर कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि करिए सरकार रिपीट कांग्रेस की। देखिए ये बिल्कुल चुनावों को लेकर के हमारे कांग्रेस की परिपाटी है, इसमें अलग अलग कमेटियां बनती हैं, जो 9 कमेटीज बनती है उनमें सभी पहली कमेटी जो डिक्लेयर हुई है इलेक्शन कमेटी बनी है, और बाकी बचे हुए कुछ नेता हैं जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी में आएंगे, उसके बाद कैंपेन कमेटी बनेगी, प्रचार प्रसार बनेगी, मीडिया कमेटी बनेगी, तो ये सब जिम्मेदारियां चुनावों को लेकर के होती हैं। एक निर्धारित जो कार्य होता है हर कमेटी का, वो कमेटी अपना कार्य करेगी और चुनाव में निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वो ही कार्य इन कमेटीज द्वारा किया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा चेयरमैन रहेंगे, अशोक गहलोत जी तो हैं ही हैं, सचिन पायलट भी इसमें हैं और हरीश चौधरी भी हैं। देखिए बिल्कुल इस कमेटी में जो है ये आए हैं लोग, इसके अलावा यह इनमें से कुछ लोग आगे मैनिफेस्टो कमेटी में भी होंगे, कुछ कैंपेन कमेटी में भी होंगे, मीडिया कमेटी में भी होंगे, ऐसे अलग अलग 9 कमेटीज मैं आपको बता रहा हूँ जो बनेंगी, तो उसमें कोई ना कोई एक, जैसे इस कमेटी में निर्धारित है कि PCC चीफ ही चेयरमैन होते हैं, जिस भी स्टेट में
बनती है इलेक्शन के लिए, पर आगे जो कमेटियां नौ बनेंगी उनमें अलग अलग लोगों को होगा। जैसे मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी तो उसमें जरूरी नहीं है सारे पदाधिकारी हो, जरूरी नहीं है सारे एमएलए हो, तो सबको अपने अपने काम के दिए जाते हैं कमेटी के द्वारा, और कमेटी काम जो है निस्तारण करती है चुनाव लड़ाने का, कुछ चुनावों की तैयारी का, कुछ चुनावों के प्रचार का। तो वो सब कमेटियां बन रही हैं, अभी पहली कमेटी डिक्लेयर हुई है राजस्थान से, बाकी और अभी शीघ्र ही होंगी। बिल्कुल स्वर्णिम जी, कमेटीज आप बता रहे हैं नौ कमेटी कांग्रेस की तरफ से हर विधानसभा चुनाव में रखी जाती हैं। जाहिर तौर पर सभी कमेटीज का अपना अपना रोल होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन चुनाव समिति जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, चाहे वो केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर हो, मुद्दे कौन से सरकार के रखने हैं जनता के सामने, विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देना है, कैसे अपने क्षेत्र में ये देखना है कि किस तरह से हवा बह रही है और किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है, क्या पैमाना बनाया जा सकता है, तो उस लिहाज से अगर ये सभी नामों पर अगर गौर करें तो न सिर्फ तजुर्बा इसमें दिखाई देता है, युवा जोश इसमें दिखाई देता है, संगठन में ताकत इसमें दिखाई देती है, महिला शक्ति भी इसमें दिखाई दे रही है, हर क्षेत्र को छूने वाले नेता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। कमेटी में सत्ता और जो हमारा संगठन है उन दोनों से रिलेटेड लोग हैं, इनका समन्वय है, समन्वय के साथ में जो हमारा संगठन चला रहे हैं जो लोग वो भी हैं, जो शासन चला रहे हैं वो लोग भी हैं, उसके अलावा हर वर्ग के लोगों को समाहित किया गया है, क्योंकि ये कमेटी और इसके बाद अभी जो कैंपेन कमेटी आएगी ये बड़ी महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं। इन कमेटीज में वही लोग लिए जाते हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस को बागडोर जो है चुनाव के जो प्रचार प्रसार और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट है वो अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ सके। तो कमेटी बैलेंस्ड है, सभी लोग हैं इसमें, युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं, इसके अलावा संगठन के भी हैं और सत्ता से जुड़े लोग भी हैं। स्वर्णिम जी, मेरी दूसरी तरफ मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल भी जुड़े हुए हैं, लगातार पॉलिटिक्स को वो कवर करते हैं, वो भी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। बाबूलाल, आप स्वर्णिम जी से बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। स्वर्णिम जी, एक सवाल है कि इसमें महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम नहीं है, क्या पार्टी के आलाकमान दोनों ही नेताओं को आगे किसी कमेटी में नहीं लेगा, इसका संकेत क्या है? आप सवाल समझ गए होंगे मेरा, क्योंकि दोनों ही नेताओं को नोटिस मिले थे जब 25 सितंबर की घटना हुई थी, उसके बाद में दोनों का नाम इस कमेटी में नहीं है, तो क्या आगे की कमेटी में उनका नाम शामिल होगा या फिर कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है? देखिए, मेरे पास आवाज तो नहीं आई, आप एक बार रिपीट कर दें। मैं स्वर्णिम जी, मैं आपको सवाल पहुंचा रहा हूं, उनका ये कहना है बाबूलाल जी का, बड़ा सिंपल सा सीधा सा सवाल है कि इसमें महेश जोशी और धारीवाल जी का नाम नहीं है, तो क्या ये संकेत दे दिए पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को कि आगे आपको जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका अंदाजा लगा लीजिए आप। देखिए, ये तो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कमेटीज बन रही है, इसमें किसी चीज का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जो लोग तो बहुत सारे हैं जिनके नाम नहीं है, बहुत सारे एमएलए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे नाम नहीं होंगे, लेकिन ये कमेटी जो है आलाकमान और यहाँ पे जो हमारा राजस्थान का संगठन है, राजस्थान के नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी है, तो सब लोगों से कंसल्ट करके ही बनाई जाती है, और जब बनी है कमेटी तो किसी एक व्यक्ति का या दो व्यक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इस कमेटी के नामों से कि उनके लिए क्या भूमिका निर्धारित किया, क्योंकि भूमिका जो देनी है आलाकमान को देनी है, आलाकमान द्वारा दी जाती है जिम्मेदारी, दी जाती है लोगों को क्या देना है, किस उनके नहीं। दरअसल वो बाबूलाल जी ये भी कह रहे थे, बाबूलाल ये भी कह रहे थे कि 25 सितंबर को जो कुछ हुआ था और उसमें जैसे महेश जोशी और शांति धारीवाल जी का नाम सामने आ रहा था, तो उस लिहाज से वो बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की पूरी तरह से डिसिप्लिन जरूरी है। देखिए, पहले की सारी बातें मैं मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर जो है उन्होंने ये प्रश्न किया, लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए, जीतने के लिए जो भी विनेबिलिटी है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस कमेटी के माध्यम से किसी के बारे में अनुमान लगाना यह उचित नहीं है। हाँ, ये तय है कि जो भी जिम्मेदारी देनी है, जो भी कहना चाहिए कि किसको क्या काम सौंपा जाएगा, वो अंतिम निर्णय आलाकमान का होता है और आलाकमान का निर्णय जो सर्वोपरि होता है, ये तो तय बात है। तो इसमें सभी लोग हैं, बाकी कमेटी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ये नहीं राय नहीं निर्धारित की जा सकती है। स्वर्णिम जी, आज चूंकि मौका भी है और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल मैं जरूर यहां पर आपसे करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खुद राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस के और नेताओं की तरफ से
ये कहा गया कि 150 प्लस टारगेट लेकर हम आएंगे, ज्यादा 150 से सीट हम जीत कर आएंगे। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें, सरकार रिपीट हो रही है ऐसा लग रहा है, यही बात कही जा रही है, कुछ टारगेट कुछ सीटों को लेकर आंकड़ा नहीं कहा गया है दावे के जरिए। नहीं नहीं, दावा कर बिल्कुल दावे के साथ टारगेट भी बताया गया है, मुख्यमंत्री महोदय खुद ने बताया 156 प्लस का टारगेट है, इसी पे काम कर रहे हैं और 156 प्लस तो हम खुद जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी पूरी 200 की 200 सीटों के लिए स्ट्रेटेजी बनी है, स्ट्रेटेजी बन करके काम हो रहा है। लगातार हमारे प्रभारी जी सह प्रभारी गण जो है वो आप देख रहे हैं, राजस्थान में सक्रिय है, क्षेत्र में सक्रिय है, फील्ड में कार्यकर्ताओं के बीच है, तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत है कि आगे जो है उन्हें हमें जो चुनाव जीतना है, चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सीटों पर समेटा जाए और कांग्रेस की अधिक से अधिक सीटें चुनाव में हम जीत के आए। प्रभारी रंधावा जी का जिक्र किया आपने, उन्होंने कल भी और आज भी ये कहा कि जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे पार्टी उनको टिकट देगी। जरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस के उन दावेदारों को या सिटिंग एमएलएस को या पिछली बार हारे हुए उम्मीदवारों को कि ये जीतने वाले कैंडिडेट का पैमाना कैसे निर्धारित होगा। ठीक है, जीतने वाले कैंडिडेट का अर्थ यह है कि जो अपने क्षेत्र में सबसे पॉपुलर होगा, जो भी होगा, जो अपने क्षेत्र में सबसे पॉपुलर होगा उसको टिकट दिया जाएगा। मान लीजिए मैं मेरा उदाहरण देता हूं, अगर मैं किसी क्षेत्र में दावेदारी कर रहा हूं और मैं कम पॉपुलर हूं, मेरे से कोई ज्यादा पॉपुलर है, तो निश्चित रूप से टिकट का दावेदार वही होगा। भले ही मेरी कहना चाहिए किसी के प्रति कोई मेरी सिफारिश हो, कहीं कोई मेरा नाम हो, कितना ही बड़ा नाम हो, लेकिन अगर पॉपुलरिटी किसी और की ज्यादा है, किसी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता की, तो उसी को टिकट मिलेगा। यही पैमाना तय किया गया है और यही उनकी बात का तात्पर्य है। आप भी कांग्रेस में पदाधिकारी, नई जिम्मेदारी आपको भी मिली है, मैं जरा दर्शकों के लिए भी जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे कि प्रदेश चुनाव समिति कांग्रेस की जो बनी है, 29 मेंबर्स इसमें जो नियुक्त किए गए हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, इस कमेटी का क्या रोल, क्या किरदार रहेगा, क्या दायरा रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक है, उसमें जो आने वाले चुनाव में जो हमारा पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, इलेक्शन मैनेजमेंट से मतलब ये होगा कि अभी तो हम काम कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, उस वक्त ये जो कमेटीज बनती हैं, ये कमेटीज जो है काम करेंगी और इलेक्शन का जो सारा मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से कैंपेन अप करना है, कब कहाँ प्रचार प्रसार आगे बढ़ाना है, इसके अलावा किस जगह पे ज्यादा जोर लगाना है, ये सब चीजें आपस में डिस्कस करके ये लोग करेंगे और इसमें जो भूमिकाएं हमारे पदाधिकारियों को देनी है, हमारे कार्यकर्ताओं को देनी है, आगे फर्दर ग्राउंड लेवल पर जो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के और प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनको क्या भूमिका दी जाएगी वो ये कमेटी तय करके सौंपेगी और उनके फीडबैक लेगी, उनसे काम करवाएगी, उनके जो काम होंगे उन पर निगरानी रखेगी। तो ये सब काम इलेक्शन